के मिस कॉल अभियान के बाद अब कांग्रेस भी डिजिटल मेंबरशिप अभियान शुरू करने जा रही है। आलाकमान के निर्देशन पर प्रदेश भर में पार्टी के नए मेंबर्स को जोड़ा जाएगा। राजस्थान में डिजिटल मेंबरशिप अभियान की शुरुआत सोमवार 1 नवंबर से होगी, तो वहीं नए मेंबर्स जोड़ने का यह अभियान 31 मार्च 2022 तक चलेगा। आलाकमान की तरफ से कुल 10 लाख नए मेंबर्स जोड़ने का टारगेट दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा इस अभियान की शुरुआत करेंगे, तो वहीं 31 मार्च 2022 के बाद नए मेंबर्स का पूरा डेटा सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी को भेजा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में कुल 10 बिंदु शामिल किए गए हैं। इनमें नियमित रूप से खादी धारण करने वाले, शराब और अन्य मादक पदार्थों से के सेवन से दूर रहने की शपथ की बात भी कही गई है। 5 महीने तक चलने वाले इस मेंबरशिप अभियान में जिसे भी जोड़ा जाएगा उसे ₹5 का शुल्क वसूला जाएगा। साथ ही शराब और ड्रग्स से दूर रहने की भी शपथ लेनी होगी। राजस्थान के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 5,000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। टेक्नोलॉजी के युग को देखते हुए डिजिटल कैंपेन चलाया जा रहा है। नए सदस्य का नाम, पहचान पत्र संख्या, जिला विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ सदस्य समाप्ति की तिथि भी अंकित होगी। साथ में मेंबरशिप लेटर एक साथ में ही और तो वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष के हस्ताक्षर भी होंगे। ये सारा डेटा ऑनलाइन ऐप में सुरक्षित रहेगा। इस ऐप को PCC के वरिष्ठ पदाधिकारी ही एक्सेस कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज़, जयपुर।